This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. And they wouldn't allow legally permissible observers. We went to court in a couple of instances, and we were able to get the observers put in. And when the observers got there, they wanted them 60, 70 feet away, 80 feet, 100 feet away, or outside the building to observe people inside the building. अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इस बात का जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानों ने अमेरिका की राजनीति में भूचाल ला दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के इनमें से कई बयान तो ऐसे हैं जिनमें ना तो कोई तथ्य है और ना ही कोई सबूत। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका चुनाव व्यवस्था को कमतर दिखाने के आरोप लग रहे हैं। राष्ट्रपति ऑफिस की ताकत का सहारा लेकर डोनाल्ड ट्रंप इन चुनावों में धांधली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे कौन कौन से दावे किए हैं जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का पहला दावा, ट्रंप ने कहा कि हमें ऐसी बहुत सी डरावनी कहानियां सुनने को मिल रही हैं कि बहुत से मुकदमे होने वाले हैं क्योंकि हमारे पास चुनाव में धांधली के बहुत से सबूत मौजूद हैं। सच्चाई, डोनाल्ड ट्रंप ने वोट काउंटिंग में किसी दिक्कत का कोई सबूत नहीं दिया। अब तक अमेरिका में कोरोना के बावजूद शांति से वोट काउंटिंग चल रही है। ट्रंप का दूसरा दावा, पेंसिल्वेनिया को लेकर ट्रंप ने दावा किया कि डेमोक्रेट्स ने इलेक्शन के 3 दिन बाद तक डाक से भेजे गए वोट गिने जाने की मंजूरी दी है, साथ ही बिना पोस्टमार्क और पहचान वाले बैलेट्स भी गिने जा रहे हैं। सच्चाई, लेकिन सही बात यह है कि 3 दिन बाद तक पोस्टल सर्विस से भेजे गए वोट गिने जाना सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड किया था, डेमोक्रेट्स ने नहीं। तो देखा आपने किस तरह डोनाल्ड ट्रंप अपने बातों को सच करने के लिए लगातार झूठे दावे करते नजर आ रहे हैं। पेंसिल्वेनिया को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पेंसिल्वेनिया में हमारे इलेक्शन ऑब्जर्वर को रोकने के लिए पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन सच ये है कि ये दावा सरासर झूठ है। इसी तरह से मिशिगन को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें डेट्राइट में वोटों की गिनती की प्रक्रिया की जांच परख नहीं करने दी गई। ये दावा भी एकदम सच से दूर साबित हुआ। दोनों तरफ की पार्टियों को वोटों की गिनती की निगरानी करने का पूरा मौका दिया गया था। तो देखा आपने कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग दावे किए जिनका ना तो कोई सबूत है और ना ही कोई सच। दुनिया भर की बाकी की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए दुनिया तक। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।